हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम सिक्स्थ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे एंड दैट इज सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। देखो, बड़ी सिंपल सी एक लाइन में बात समझने वाली है, और वो ये कि देश पहले मैं बाद में। अगर कहीं भी मेरे पर्सनल लॉस से देश को फायदा हो रहा है तो मुझे हमेशा ये देखना है कि देश पहले है मैं बाद में। ऐसे जब हम कंपनी में काम कर रहे हैं तो अगर किसी चीज से मेरे को 1% नुकसान हो रहा है बट कंपनी को फायदा हो रहा है तो मुझे अपने इंटरेस्ट को नहीं देखना, मुझे कंपनी के इंटरेस्ट को पहले देखना होगा। ये एक जनरल रूल है और लीडर को ये चीज सबसे पहले करके दिखानी होगी। सपोज एक कंपनी में 10 एम्प्लॉयज और उनके ऊपर एक मैनेजर है, तो वो मैनेजर ही विल लीड बाय एग्जाम्पल। वो हर चीज में दिखाएगा कि भाई कंपनी पहले है, मैं बाद में। किसी भी चीज में बेनिफिट अगर मिलना है तो कंपनी को मिलना है, दैट इज सबॉर्डिनेशन। सबॉर्डिनेशन का मतलब छोटा करना, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट की मतलब जो कंपनी में काम कर रहा है उसका जो इंटरेस्ट है, उसका जो फायदा है, वो बात रह जाएगी छोटी, और कंपनी का फायदा है जनरल इंटरेस्ट का मतलब ओवरऑल कंपनी की जो प्रोग्रेस है वो बात है बड़ी। हाँ, कंपनी को भी देखना पड़ेगा, कंपनी हर समय अपना ही फायदा देखेगी तो फिर काम नहीं चलेगा। कंपनी को भी कहीं ना कहीं ये देखना है कि एम्प्लॉयज का फायदा हो, लेकिन एम्प्लॉयज को भी ये देखना है कि हमें अपने से पहले अपनी कंपनी को आगे रखना है। बस इतना है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इतना सा ये रूल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल मस्ट प्रिवेल ओवर द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल। प्रिवेल का मतलब उसके ऊपर रहेगा, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी, राइट। इन एन ऑर्गेनाइजेशन एवरी इंडिविजुअल हैज हिज ओन इंटरेस्ट। नेचुरली जब कोई आदमी कंपनी ज्वाइन करता है उसके अपने थॉट्स हैं कि मेरे को इतनी प्रोग्रेस मिलेगी, मुझे ये ट्रेनिंग मिलेगी, मेरे अंदर ये इंप्रूवमेंट आएगी, मुझे इतनी सैलरी मिलेगी, ये घर मिल जाएगा, मोबाइल मिल जाएगी, गाड़ी मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा, सो मेनी थिंग्स। सो एवरी इंडिविजुअल हैज हिज ओन इंटरेस्ट। दिस प्रिंसिपल डिमांड्स दैट ईच इंडिविजुअल शुड सैक्रीफाइस हिज पर्सनल इंटरेस्ट। कंपनी के आगे फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ द कंपनी ही शुड सैक्रीफाइस हिज पर्सनल इंटरेस्ट। नहीं, अब मान लेते हैं कि किसी एम्प्लॉय को छुट्टी लेनी है, उसको कहीं घूमने जाना है, लेकिन कंपनी की इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो एक टाइम उसको अपने पर्सनल इंटरेस्ट को, हो सकता है उसको एग्जाम्स के लिए छुट्टियां लेनी हो जिससे उसको फिर कल को प्रमोशन मिल जाए, या उसको कंपनी छोड़ के कोई बेटर कंपनी मिल जाए, लेकिन फिलहाल अगर कंपनी को उसकी ज़रूरत है, कोई सीट पर उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो उसको कंपनी के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए अपने एग्जाम्स को, अपने लीव्स को छुट्टी पर छोड़ना होगा। एक टाइम थोड़ा सा रॉन्ग एग्जाम्पल है, लेकिन सपोज घर में कोई बीमार है और कंपनी में ज़रूरत है, अगर काम चल सकता है तो उसको ये चाहिए कि अपने कम्फर्ट को छोड़े और कंपनी को सर्व करे। तो दैट इज सैक्रीफाइस। कई बार कंपनी के लिए खुद को जैसे देश के लिए नहीं सैक्रीफाइस करना पड़ता, ऐसे ही हमें खुद के पर्सनल इंटरेस्ट को भी कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए सैक्रीफाइस करना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन इज सुपीरियर टू इंडिविजुअल्स, कितनी अच्छी बात लिखी है कि जो संस्था है, वो जो कंपनी है जिसमें हम काम कर रहे हैं, वो हमसे बड़ी है। इस चीज को समझना है, है ना। इन केस इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट डिफर, देन इट इज द ड्यूटी ऑफ मैनेजमेंट टू रिकनसाइल देम। अगर ऐसा लग रहा है कि उनके बीच में कुछ कंफ्लिक्ट है तो उसको रिकनसाइल करें ताकि कंपनी का इंटरेस्ट भी सक्सेस हो, ऑर्गेनाइजेशन का भी हो। लेकिन अगर रिकनसाइल नहीं हो पाए तो ऑर्गेनाइजेशन पहले है, ये चीज हमें समझनी है, है ना। हाउएवर इफ रिकनसाइलेशन इज नॉट पॉसिबल देन जनरल इंटरेस्ट मस्ट सुपरसीड। सुपरसीड का मतलब वो सुपीरियर रहेगी बात, वो ऊपर रहेगी। सुपरसीड का मतलब ये बात ऊपर, जैसे प्रिंसिपल की बात जो है वो किसी भी एक इंडिविजुअल टीचर के जो स्कूल में कुछ बोल रहा है उसके ऊपर करेगी, सुपरसीड करेगी, बिकॉज वो प्रिंसिपल सर है, ये प्रिंसिपल मैम है, व्हाटएवर। तो सुपरसीड, सो देन जनरल इंटरेस्ट मस्ट सुपरसीड द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट वन राइजेस व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन राइजेस। देश आगे बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे, ऐसे कंपनी आगे बढ़ेगी तो हम आगे बढ़ेंगे, दैट इज अ पॉइंट, ठीक है ना। अब मैनेजर को अपने बिहेवियर से ये चीज अचीव करनी है। जैसे अगर वो खुद ही किसी चीज का फायदा उठा रहा हो, है ना, झूठे बिल बना के कंपनी में डाल रहा, अपने पावर को मिसयूज कर रहा, तो फिर लोग उसकी सुनेंगे नहीं। तो ही हैज टू प्रूव, ही हैज टू शो बाय हिज बिहेवियर, तब वो आगे बढ़ पाएगा, है ना। इफ मैनेजर्स ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मोर सैलरी एंड कंपनी इज गोइंग थ्रू फाइनेंशियल क्राइसिस और उसको अपने खर्चे कम करने हैं, अच्छा एग्जांपल, तो उसको अपनी सैलरी पहले कट करनी होगी। अगर वो कहे जी देखो मैं अपनी सैलरी तो पूरी लूंगा, बाकी एम्प्लॉयज की सैलरी काट दूंगा क्योंकि कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस में गुजर रही है, तो फिर ऐसे तो फिर चलेगा नहीं ना। यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल। तो इसके एडवांटेजेस क्या है, अचीविंग गोल्स एंड
कोऑर्डिनेशन, ये तो है। कोई भी चीज़ अगर आप अच्छे से करते हो तो फिर लोग मिलके कोऑपरेट करते हैं, कोऑर्डिनेशन रहता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव होते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती हैं, एम्प्लॉयज़ जो है उसकी गुड ब्रांडिंग मार्केट में एक अच्छी इमेज लेकर जाते हैं कि हाँ ये कंपनी अच्छी है। उससे क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अब जैसे टाटाज़ हैं, टाटाज़ आर वेरी एम्प्लॉय ओरिएंटेड, वहाँ पर एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है। तो कभी भी आप देखेंगे कि अगर एक कंपनी एक अच्छे एम्प्लॉय को अगर टाटा से ऑफर आ रहा हो और किसी और ऑर्डिनरी कंपनी से ऑफर आ रहा हो तो वो टाटा को प्रेफर करेगा, बिकॉज टाटा बहुत एम्प्लॉयज़ की केयर करते हैं, बहुत अच्छी उनकी पॉलिसीज़ हैं। सो उससे क्या होता है, एक मार्केट में इमेज भी आपकी अच्छी क्रिएट होती है, है ना। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन, अगर आप इस रूल को नहीं मानोगे देन फर्म्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो गोल्स हैं, वो अचीव नहीं होंगे और कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। वो तो फिर जो पॉजिटिव में है वही उसका उल्टा कॉन्सिक्वेंसेस में है, ठीक है ना। मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ये बहुत सिंपल सा रूल है। थैंक यू।